24 अगस्त को उनका निधन हुआ था, और आपको बता दें कि वो हाउस के लीडर थे राज्यसभा के, और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये संसद भवन की है, जहां पर जम्मू कश्मीर के दो सांसद नजर आ रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किसानों को लेकर, उनकी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो शिवसेना की ओर से किया जा रहा है। संजय राउत वहां नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ बता दें कि कुछ दिन पहले की बात है जब शिवसेना एनडीए का हिस्सा होता था, बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी, लेकिन अब वो विरोधी बन चुके हैं, विरोधी खेमे में हैं। और इस बीच एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमारे संवाददाता अनंत प्रकाश पांडे ने भेजा है हमें। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और गांधी प्रतिमा के सामने पीडीपी के दोनों सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों के हाथ में पोस्टर भी है जिस पर लिखा गया है कि 370 और 35 ए को जो खत्म किया गया है जम्मू कश्मीर से, वो एक्सेप्टेबल नहीं है और जम्मू कश्मीर का विभाजन इनको मंजूर नहीं है। नजीर साहब, सरकार ये कह रही है कि जो जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया और जो उसका विशेष दर्जा हटाया गया, ये कश्मीरियों के हक में है। ये तो आपने देखा होगा कि 3 महीने से आप देख रहे हैं कश्मीरियों के कितने हक में है। वहाँ कोई ट्रक नहीं जाती है, वहाँ स्कूल बंद पड़े हुए हैं, वहाँ हमारे जो लीडर हैं, जो मेन स्ट्रीम लीडर हैं जिन्होंने हमारे देश के साथ दिए हैं, और वो MLAs हैं जिनके फादर को मार दिया गया है, वहाँ पर हमारे जहूर मीर साहब हैं, अतराल के जो MLA रहे हैं, बहुत से लोग वो रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी जान की कुर्बानी दे दी है देश के लिए, लेकिन आज वो भी बंद पड़े हुए हैं। ये अफसोस की बात है, लेकिन और हमारे स्कूल नहीं चल रहे हैं, हमारा फूड सीजन टोटल ख़त्म हो गया। ये क्या बता रहे हैं, पहले बता रहे थे 370 और 35 से हटाने से जम्मू कश्मीर खुशहाल हो जाएगा, लेकिन वहाँ तो मुसीबत है, वहाँ लोग तो मुसीबत में पड़े हुए हैं, तो ये कौन सी खुशहाली है 370। इसलिए हम दोबारा डिमांड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमको प्रोटेक्ट किया जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों के, खासकर वैली के लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ गुस्सा है, वहाँ परेशानी है और लोगों की कोई सुनता नहीं है। लेकिन सरकार कह रही है कि वहाँ के हालात जो हैं धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। धीरे धीरे कब तक हो जाएंगे, जब सारे लोग मर जाएंगे कश्मीर के, इनको दफन करना है। आज जो बैकबोन है हमारे इस देश की एजुकेशन, उस एजुकेशन सेक्टर को ख़त्म कर दिया, 3.5 महीने से कोई स्कूल चलता नहीं है, सारे स्कूल बंद पड़े हैं। आपके चैनल के, आपके माध्यम से बहुत से चैनल जो दिखाते हैं कि हमारे बच्चों का क्या सत्यानाश हो रहा है, जब एजुकेशन ही ख़त्म होगी तो ऑटोमेटिकली वो कौम ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अंदर भी प्रोटेस्ट करेंगे हम चेयरमैन साहब के सामने भी, कि ताकि जम्मू कश्मीर को देखा जाए। हम चाहते हैं कि जो हमारी सरकार है, जो सेंट्रल सरकार है, उसका ध्यान हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ जाए, ताकि उसके जान देने के बाद ही हमारी जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो हल हो जाए। फयाज भाई, आप लोग मांग कर रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा है उसको फिर से बहाल किया जाए, लेकिन अब तो स्टेट डिवाइड हो चुका है और सरकार कह रही है कि धीरे धीरे वहाँ के हालात बेहतर हो रहे हैं। देखिए, हम अपनी डिमांड जारी रखेंगे, जो हमारा जमहूरी एक हक है, हम अपनी डिमांड जारी रखेंगे। जो हमें दिया गया था वो हमसे वापस क्यों छीना गया? इसी देश ने हमें दिया था, इसी संविधान ने हमें दिया था, यहाँ इसी देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे साथ जो वादा किया था नेहरू जी ने, आज हमसे वो क्यों छीना गया? तो आप ये अब तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर मनोज तिवारी पहुंचे हैं। मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद हैं, साथ ही साथ बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और आप देख सकते हैं साइकिल की सवारी करते हुए संसद पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं कोशिश ये संदेश देने का है कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसे कम करने के नाते हर नागरिक अपना योगदान दे, और गाड़ी का इस्तेमाल ना करते हुए साइकिल का इस्तेमाल करते हुए वो संसद पहुंचे। दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक कार में पहुंचे प्रकाश जावड़ेकर, पर्यावरण मंत्री है, तो उनका ये संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा अब भारत सरकार उसमें लिखा हुआ, यानी कि उनके मिनिस्ट्री में अब जो गाड़ी आई है वो इलेक्ट्रिक कार है, जिसके जरिए आप प्रदूषण को और कम कर सकते हैं। डीजल पेट्रोल की जो गाड़ियां होती है उसमें ज्यादा धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे प्रदूषण फैलता है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने का जो संदेश है वो तमाम मंत्री भी दे रहे हैं, सांसद भी दे रहे हैं, ताकि लोग भी जागरूक हों और वो डीजल और पेट्रोल की गाड़ी की जगह जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनका इस्तेमाल करें।